फिर इंडिया भी हमारा होगा, फिर रूस भी हमारा होगा, फिर मिडल ईस्ट भी हमारा होगा, फिर अफगानिस्तान भी हमारा होगा, शाम भी हमारा होगा, इराक भी हमारा होगा, फलस्तीन भी हमारा होगा। और आपका क्या ख्याल है कि हम वहीं रुक जाएंगे? यूरोप भी हमारा होगा, फिर वहीं रुक जाएंगे? नहीं, अमेरिका पाकिस्तान के सल्तनत का पार्ट होगा। तो कुस्तुंतनिया हाथ से निकल चुका होगा, लेकिन ये वो वक्त होगा जब पाकिस्तान फिर निकलेगा यहां से, और ये वो वक्त होगा जो मशरिक से काले निशान उभरेंगे और मिडल ईस्ट को भी दोबारा बाजियाब कराएंगे। ये सारे जो मलहमतुल कुबरा है वो फिर इसका पार्ट है, और उसमें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इल्म दिया है उसके मुताबिक 80 करोड़ के लगभग लोग अहदीस में मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं कि मशरिक से काले निशानों का निकलना और जाकर अरब में जंग करना, फिर खोए हुए इलाके फतेहयाब जो है वो होते हैं मुसलमानों के हाथों। फिर हमें हदीस शरीफ में मिलता है कि कुस्तुंतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाता है, फिर मुसलमान उसे दोबारा बाजियाब कराते हैं। तो इसी तरह हिंद का हमें पता चलता है कि हमारी जो मुसलमानों की फ़ौजें हैं वो हिंद का जिहाद करेंगी। असल में ये सारे वाक़यात ये जो जंगें मैंने गिनवाई हैं अरब में, तीन जो हुक्मरान के बेटों का आपस में कत्लो गारत में मुब्तला होना, फिर उसके बाद मशरिक से काले निशान उभरना, कुस्तुंतुनिया की फतह, मुसलमानों के हाथों से उनके इलाके निकल जाना, फिर मुसलमानों का उन्हें वापस लेना, फिर हिंद की जंग, ये दरअसल जो मलहमतुल कुबरा है, एक बड़ी जंग होने वाली है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, आर्मगेडन है, उसके ये वो इवेंट्स हैं, ये सारे उसी के इवेंट्स हैं। और यानी कि मुसलमान, यानी वो जो अंडरस्टैंडिंग उसकी बनती है वो असल में बनती ये है कि वो जो मशरिक़ के काले निशान हैं क़ब्ल अल-ख़ुरासान के अल्फाज हैं हदीस में, कि ख़ुरासान से पहले की सरज़मीन मशरिक़ के जानिब, यानी जो मदीना मुनव्वरा से मशरिक़ के जानिब ख़ुरासान है, और उससे कबल क्या आता है? पाकिस्तान आता है, जो हमारी ये सिंध की और पंजाब की ये सरज़मीनें हैं ये आती हैं। तो यहाँ से वो काले निशान उभरेंगे और वो वहाँ जाकर फिर जंग भी करेंगे, और इसी खित्ते के बारे में आया है कि वो हिंद की जंग भी लड़ेंगे। तो होगा क्या दरअसल कि पाकिस्तान में जब लोग रियलाइज़ कर लेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से अब रहनुमाई आ रही है और लोग पाकिस्तान से शिर्क का खात्मा करेंगे, जो गली कूचों में मुजस्मे लगे हुए हैं, बिला ज़रूरत तस्वीर हैं, इसी तरह जो बिला मतलब के गैर शरई तौर पर मन्नतें मानी जाती हैं, अल्लाह के अलावा औरों के नामों की कस्में खाई जाती हैं, औरों के नाम के क्या क्या होता है, मज़ारों के ऊपर जो शिर्क के मामलात होते हैं, वो सारे जब एबॉलिश किए जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला की मदद आने से पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा, लेकिन साथ में ही मुसलमानों के हाथों से मिडल ईस्ट और अरब, जो अरबों के बारे में अहादीस हमें मिलती हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि उनमें जो हमें मिलता है कि अरबों के हालात ख़राब होने लग जाएंगे, अरबों से उनके इलाके उनके हाथ से निकलने लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि वो और कोई पनाह की जगह नहीं रहेगी, पूरा मिडल ईस्ट और ये सारा एरिया जो है वो एक फितने और जंग का शिकार हो जाएगा। इस वक्त भी देखें बहुत सारा तो हो चुका है, यमन में देखें क्या सूरत हाल है, लीबिया, शाम, इराक, चंद ही तो ममालिक रह गए हैं जो हमें बस एक प्रेजेंटेशन के तौर पर पोस्टर चाइल्ड बने हुए हैं कि सब अच्छा है मिडल ईस्ट में, हालाँकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो मिडल ईस्ट इस वक्त भी तबाही और बर्बादी का शिकार है। तो जो बाकी इलाके पीसफुल हैं, अल्लाह हमें इन मुश्किल हालात से महफूज रखे, वहाँ पे भी यही मुश्किलात आने लग जाएंगी, मुसलमानों के हाथों से इलाके निकलने लग जाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, इसराइल, नेटो, अमेरिका, ये वहाँ पे अपने पंजे गाड़ने लग जाएंगे। तो अब वहाँ से मुहाजरीन पाकिस्तान आने लगेंगे फॉर टू रीज़न्स। पहली तो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि बचा हुआ होगा, अल्लाह की रहमत से स्टेबल होगा, और पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ाम आ चुका होगा। दूसरी बात, उस इस्लामी निज़ाम, उस खिलाफत और सदारती निज़ाम को एक्सेस करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह की रहमत और खुशहाली होगी उसको लोग यानी उसके
उसको पाने के लिए यहाँ पे आएंगे लोग। तो फिर पाकिस्तान इस कदर तरक्की कर जाएगा कि कोई भी यानी के परेशानी और मसाइल, पाकिस्तान का कर्ज़ा सारा उतर जाएगा और पाकिस्तान की आबादी इंतहाई बढ़ जाएगी, यानी जितनी आबादी पाकिस्तान की इससे मल्टीपल फोल्ड्स हो जाएगी, मैनी टाइम्स हो जाएगी, कि वो सारे लोग, क्योंकि मुसलमान सारी दुनिया से पाकिस्तान आ रहे होंगे, बाकी सारी पावर दूसरी तरफ होंगी, पाकिस्तान के साथ कुछ मुस्लिम ममालिक जो उस वक्त तक बच गए होंगे, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह, वो शामिल होंगे। तो फिर पाकिस्तान जब जंग करेगा फिर रुकेगा नहीं। अब फिर पाकिस्तान आगे से अल्लाह की रहमत से उसके हुक्म से फिर पाकिस्तान उस जंग को फिर शुरू वो करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। और अगर आपने ये सुना है कि सिर्फ इंडिया तक बात पहुंचेगी, नहीं, फिर इंडिया भी हमारा होगा, फिर रूस भी हमारा होगा, फिर मिडल ईस्ट भी हमारा होगा, फिर अफगानिस्तान भी हमारा होगा, शाम भी हमारा होगा, इराक भी हमारा होगा, फलस्तीन भी हमारा होगा। और आपका क्या ख्याल है कि हम वहीं रुक जाएंगे? यूरोप भी हमारा होगा, फिर वहीं रुक जाएंगे? नहीं, अमेरिका पाकिस्तान के सल्तनत का पार्ट होगा और इस बात में कोई डाउट नहीं है। और ये वो दौर होगा कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी और कोई परेशान हाल नहीं रहेगा, जुल्म का निज़ाम ख़त्म किया जाएगा, शिर्क को ख़त्म किया जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर एक गवर्नमेंट होगी। और उनका वर्ल्ड ऑर्डर तो फेक है, टूटा फूटा है, बैंकिंग के झूठे निज़ाम के ऊपर चलता है, लोगों को जुल्म और स्कैम करके चलता है। अल्लाह का चलाया हुआ निज़ाम एक होगा जो फेक नहीं होगा, जिसके लिए पपेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहिए होंगी, वो फिजिकली दुनिया के ऊपर एक हुकूमत कायम होगी। और ये वो वक्त होगा कि जब कुस्तंतनिया को भी छुड़ाया जाएगा, उससे पहले जब वो मिडिल ईस्ट की तरफ और उन इलाकों में वो अपनी गंदगी फैला रहे होंगे, जुल्म फैला रहे होंगे, तो कुस्तंतनिया हाथ से निकल चुका होगा। लेकिन ये वो वक्त होगा जब पाकिस्तान फिर निकलेगा यहाँ से, और ये वो वक्त होगा जो मशरिक से काले निशान उभरेंगे और मिडिल ईस्ट को भी दोबारा बाजियाब कराएंगे। ये सारे जो मलहमतुल कुबरा है वो फिर इसका पार्ट है, और उसमें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इल्म दिया है उसके मुताबिक 80 करोड़ के लगभग लोग मारे जाएंगे, मुसलमान भी शहीद होंगे और दूसरी साइड के लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान दूसरी तरफ का होगा क्योंकि अल्लाह की रहमत पाकिस्तान के साथ होगी। और ये वो जंग होगी जिसको ग़ज़वातुल हिंद के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आर्मगेडॉन या जो एक बड़ी जंग तहजीबों का टकराव है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, वो भी यही है। ये पूरा ये फैलेगी, यही ग़ज़वा हिंद जो है वो फैलेगी और पूरी दुनिया के अंदर वो जंग फैल जाएगी और पूरी दुनिया के ऊपर फिर पाकिस्तान की हुकूमत होगी। और ये कोई एक एक दीवाने की भड़क नहीं है, ये वो हक है जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर वो जो हमें रवायात में मिलता है कि कुस्तंतनिया मुसलमान फतह करेंगे और उसके बाद शैतान ऐलान करेगा कि दज्जाल निकल आया, लेकिन जब मुसलमान आएंगे तो नहीं निकला होगा, लेकिन बाद में फिर वो एक्चुअल में निकल आएगा, ये थोड़े से स्ट्रेच्ड इवेंट्स हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, इमामुल महदी की हुकूमत होगी, जिसमें ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, आसमान अपनी बरसात में से, अपनी बारिश में से सब बरसा देगा, कोई परेशान हाल नहीं रहेगा, कोई तकलीफ़ में नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई गमगीन नहीं रहेगा। हत्ता के बाद रवायात में आता है कि जो जंगली दरिंदे और मूजी जानवर हैं वो और इंसानों के बच्चे आपस में खेलेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मूजी जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मामला जो है वो 7 साल तक रहेगा, 7 साल या 9 साल रवायात में आता है, उसके बाद दज्जाल निकलेगा और फिर दज्जाल का जो मामला है वो 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 2-3 दिन जो हैं वो सिस्टम्स की फॉर्म में हो रहे हैं या हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो, यानी जब दज्जाल एज अ पर्सन ज़ाहिर होगा तो 35-37 दिन वो रहेगा, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और फिर दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। वल्लाहु आलम।